गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ सात पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे रजा साहब। इस पाठ की लेखिका सुजाता बजाज जी हैं। लेखिका सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी जो बीती हुई घटनाएं हैं उनको याद करके फिर से लिखना। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म संभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है, यानी दिखाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यानी मन में यादों की एक कतार सी लग गई, कतार लाइन लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, यानी निश्चेत लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या-क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक
दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष को बताने वाला। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। आइए अब स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शब्द वाटिका, शब्दों के अर्थ करीने से, तरीके से, सलीके से दिया हुआ है। समालोचक गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। जिज्ञासा का अर्थ उत्सुकता, अनहोनी, असंभव, न होने वाली। अभी यहाँ सूचना अनुसार कृतियां करनी है आपको, संजाल पूर्ण करना है, सूची तैयार करनी है, पाठ में आए विविध देशों के नाम, पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, कृतियां करनी है, और आपको जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है, इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखनी है। धन्यवाद।